ग्रास्प एक ईयू फंडिंग प्रोग्राम है और ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में इंटीरियर बलूचिस्तान में और इंटीरियर सिंध में काम कर रहा है। बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो हमारी ग्रास्प के साथ बहुत बेहतर कोलैबोरेशन चल रही है, उसमें हम डिफरेंट इवेंट्स करते हैं जिसमें हम लोग SMEs को और एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों को हम लोग इन्वाइट करते हैं और उनको बेसिकली उस लेवल पर लेकर आते हैं कि वो लोग ये अंडरस्टैंड कर पाएँ कि बेसिकली इसमें उनको फंडिंग मिल सकती है इफ़ दे हैव अ प्रॉपर प्लान, इफ़ दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन समथिंग और बेसिकली वो कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं अपने काम में। ग्रास का जो एक्सेस टू फाइनेंस का कॉम्पोनेंट है वो हमारा रिलेट करता है नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के साथ। उसमें हमारे पास इसकी एक्सटेंशन में एग्रीकल्चर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी, उसमें बेसिकली उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया जाता है कि स्टेट बैंक की एग्रीकल्चर और SME को लेकर डिफरेंट स्कीम्स हैं। उस स्कीम्स के अंदर हम लोग बेसिकली आप जो बोरोवर्स हैं उनको सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स पर लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ तक तो ये प्रोग्राम ग्रास्प का ये उनको फंड कर देता है, उसके बाद अगर दे स्टिल नीड सम फाइनेंसिंग फॉर देयर बिजनेस तो वो फिर स्टेट बैंक के उन स्कीम्स के अंडर कमर्शियल बैंक से वो लोन्स ले सकते हैं और वो कम इंटरेस्ट रेट पर होते हैं। शरह सूद उसमें काफ़ी कम होती है, फॉर एग्जांपल उसमें 5% पर होगी। खवातीन के लिए स्पेशली उसमें बड़ा बेहतर वो है कि उसमें उनको 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो विदाउट एनी इंटरेस्ट उनको मिलता है। क्योंकि ग्रास्प का अगर आप देखें ना तो उनकी जो फंडिंग है वो 100% तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल शॉर्टलिस्ट करते हैं वो 1000 बंदे, तो उसमें से जो आप फंडिंग कर पाएंगे वो 100 को कर पाएंगे, 150 को कर पाएंगे, तो बाकी के जो 85% SMEs रह गए जो कि बेसिकली एलिजिबल समझ रहे थे अपने आप को उस फंडिंग के लिए, वो फंडिंग ना लेने पाने के बाद बेसिकली डिसहार्ट ना हो और बेस उनको ये समझ आए कि अगर कमर्शियल बैंक्स की तरफ से उनको 25 से 26% पर लोन मिल रहा है जो कि उनको फिजिबल नहीं लगता अपने बिजनेस को रन करने के लिए, दूसरे एंड पर स्टेट बैंक उनको बहुत सस्ते शराइत पर लोन दे सकता है जो इनके पास डेटाबेस मौजूद है। वो डायरेक्टली हमारे पास कमर्शियल बैंक्स के पास बेसिकली आकर उन लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा फंडिंग लेने के बाद उनको दोबारा फंडिंग की ज़रूरत ना, क्योंकि बिजनेसेस आर देयर टू ग्रो और एक दफ़ा अगर उसमें उनको कुछ इन आउटपुट अच्छी नज़र आती है तो वो चाहते हैं कि उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करें। ग्रास्प का प्रोजेक्ट जो है वो हमें वो प्लेटफॉर्म देता है SMEs के जो उनके पास डेटाबेस है कि हम उन लोगों तक रसाई हासिल कर सकें और डायरेक्ट उन लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकें कि ये स्कीम्स जो हैं उनके लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकते हैं। ग्रास्प का प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के अंदर बहुत वैल्यू एडिशन कर रहा है बेसिकली SMEs के हवाले से और जिन लोगों ने बेसिकली फंडिंग ले ली है उनसे जब कभी मेरी बात हुई है तो उन्होंने बस दुआएं दी हैं ग्रास्प को, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये हमें बेसिकली उस एट पार लाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे SMEs स्ट्रांग हो और ओवरऑल हम GDP में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ और बलूचिस्तान की प्रोग्रेस में किसी तरह अपना पार्ट प्ले कर पाएँ। इन द एंड आई वुड जस्ट वॉन्ट टू थैंक ग्रास्प कि वो अपना प्रोजेक्ट इस तरह से चलाते रहें बेसिकली। थैंक यू सो मच।